नमस्कार दोस्तों, आज मेरे पास फिर से एक फ़ोन आ चुका है जिसका नाम है S23 Ultra। दोस्तों इससे पहले ही मैंने एक वीडियो बनाई थी S23 Ultra के ऊपर, और दोस्तों वो मेरे पास था क्रीम कलर। अब मेरे पास आ चुका है दोस्तों ग्रीन कलर। तो मैंने ये फ़ोन क्यों लिया है और वो वाला फ़ोन मैंने वीडियो बनाने के बाद इसकी वीडियो फिर से क्यों बनाई है, यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। फिलहाल मैं दोस्तों आपको अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ, क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोग हैं जो मुझसे ये बोल रहे थे कि ग्रीन कलर जो होता है उसमें हमें कुछ अलग मिलता है, और जो क्रीम कलर जो आता है बैट वाला उसमें हमें कुछ अलग चीज़ मिलती है। तो ये सब मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा और आपको एक अनबॉक्सिंग भी दिखा देता हूं साथ ही, क्योंकि आपको पता ही है कि फ़ोन ऑलरेडी यूज किया हुआ है और बॉक्स खुला हुआ है, लेकिन फिर भी एक अनबॉक्सिंग वाली फीलिंग मैं आपको शेयर कर देता हूं। तो दोस्तों देखिए, ये है मेरे पास 12 GB और 256 GB वाला वेरियंट जो है मेरे पास ग्रीन कलर का, जिसका EMI नंबर वगैरह जो भी है पीछे आते हैं। तो दोस्तों इसमें हमें मिलता है जो इसकी MRP है वो है 149,999 रुपये, बट जो बाजार में कितने का रहा है जो आपको पता ही है, 1,09,000 रुपये का मिल रहा है आपको कैश में मार्केट से, और आप अमेजन पर देखते हो वहाँ पे भी शायद इतने का ही है। अगर आप इसको कोई कूपन वगैरह लगाते हो तो ये आपको 1,83,000 मिल जाता है। तो चलिए ओपन करते हैं। तो ये फ़ोन में बाद में देखता हूँ, पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये। तो इसके अंदर हमें मिलता है एक डाटा केबल और यूजर मैनुअल, जिसमें दोस्तों कुछ किताबें वगैरह होती हैं फ़ोन के बारे में बताने के लिए, तो उन पर दोस्तों का ज़्यादा यूज नहीं है, और डाटा केबल मैंने इसकी ऑलरेडी निकाल चुकी है यूज करने के लिए। अब आते हैं दोस्तों मेन फ़ोन के ऊपर, क्योंकि इस बॉक्स में हमें और कुछ नहीं मिलता। तो देखिए जी, इसकी जो रैपर होता है वो मैंने लगा दिया था, बट जो मैंने यूज किया हुआ फ़ोन है, यूज कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से इसे। तो देखिए दोस्तों जी, ग्रीन कलर, इसके ऊपर मैंने जो रिंग होती हैं कैमरे के ऊपर वो भी मैंने इस पर अप्लाई की हुई हैं, जिससे कैमरे के ऊपर कोई दिक्कत वगैरह ना आए। और पीछे जो मेमरिन होती है वो भी मैंने पूरे फ़ोन पे अप्लाई की हुई है, साइड से भी और बैक पर भी। और दोस्तों फ्रंट पे भी मैंने इसके ऊपर एक स्क्रीन प्रोटेक्टर यूज किया हुआ है, क्योंकि इस पर मैंने ग्लास क्यों ही लगवाया जो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊँगा, और उससे क्या दिक्कत हो सकती है, आपको क्या लगवाना चाहिए डिस्प्ले के ऊपर, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों इस फ़ोन के बारे में जो भी फीचर वगैरह हैं वो सेम वही हैं जो आपको मेरी पिछली वीडियो में दिखे थे, जो बैट वाला फ़ोन था मेरे पास। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ग्रीन कलर क्यों लिया है, इसका रीज़न क्या है इसके पीछे का, तो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों वैसे मैं आपको इसके फीचर वगैरह है वो सेम वही हैं, तो ज़्यादा आपका टाइम ख़राब नहीं करूँगा। दोस्तों मैंने ग्रीन कलर इसलिए लिया है क्योंकि इससे पहले मेरे पास जो बैट कलर था जिसकी मैंने वीडियो बनाई थी दोस्तों, वो जो फ़ोन है उसके ऊपर मैंने एक UV ग्लास अप्लाई किया हुआ था, जो दोस्तों लिक्विड के साथ अप्लाई किया जाता है, क्योंकि वो साइड से कर्व फ़ोन होते हैं उनमें लिक्विड वाला ही ग्लास यूज किया जाता है, नहीं तो आपके फ़ोन पर ग्लास लगेगा नहीं, ना ही फिंगरप्रिंट जो होता है वो वर्क करेगा। तो दोस्तों मेरे UV ग्लास से क्या हुआ कि मेरे फ़ोन की जो डिस्प्ले है वो कुछ एक दो या दो तीन दिन बाद पूरी ग्रीन हो गई। मतलब दोस्तों फ़ोन काम कर रहा था बट उसमें कुछ दिख नहीं रहा था कि किसका कॉल आ रहा है, क्या हो रहा है, डिस्प्ले पूरी ग्रीन हो चुकी थी। तो मैं सर्विस सेंटर गया, उन्होंने मुझे बताया कि आपके फ़ोन के अंदर यूवी ग्लास का जो लिक्विड है वो जा चुका है और आपके फ़ोन की डिस्प्ले डैमेज हो चुकी है, और जो कोड वगैरह होते हैं डिस्प्ले के वो उस ग्लू से मिट चुके हैं, तो इस वजह से आपकी फ़ोन की जो डिस्प्ले है वो अंडर वारंटी ठीक नहीं हो पाएगी। तो ये मेरा काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि ग्लू की वजह से जो कोड होते हैं जो वारंटी अप्लाई के लिए काम आते हैं वो दोस्तों ग्लू की वजह से ख़त्म हो चुके थे। तो मैं आपको दोस्तों यही बता रहा हूँ कि जब भी आप कोई फ़ोन लो इस तरह का, तो आप उस पर स्क्रीन प्रोटेक्टर यूज करो, ना कि यूवी ग्लास। और यूवी ग्लास अगर आप लगवाते हो तो काफ़ी सावधानी के साथ उसे अप्लाई करवाओ, जिससे जो लिक्विड होता है साइड से निकलता है वो डिस्प्ले के अंदर ना जा पाए। तो दोस्तों उस फ़ोन को मैंने अपनी मार्केट में सेल कर दिया कुछ कम पैसों में, फिर उसके बाद मैंने ग्रीन कलर ख़रीदा, क्योंकि मुझे फ़ोन चाहिए था, तो वो वाला मैं चाहता तो ठीक करवा लेता, बट मैंने सोचा क्यों ना नया फ़ोन लिया जाए उसको सेल करके। तो उसको सेल करने के बाद मैंने ग्रीन लिया, और काफ़ी लोगों का ये मानना था कि ग्रीन कलर जो फ़ोन होता है उसमें हमें एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती हैं बॉक्स में, या फिर कुछ अलग फ़ीचर मिलते हैं। दोस्तों कोई कुछ नहीं मिलता, सेम फीचर्स होते हैं, सिर्फ कलर का फ़र्क है, बाकी और कोई भी चीज़ में अंतर नहीं है। दोस्तों इसका कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मैं आपको दिखाता हूँ, यदि वैसे तो वो पता ही है उसकी कैमरा क्वालिटी दोस्तों काफ़ी अच्छी है इस फ़ोन की, और ये कैमरे के मामले में ही दोस्तों सबसे आगे है सैमसंग की तरफ से। अभी दोस्तों जो S24 Ultra आया है तो
दोस्तों उसमें और इसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, उसमें बस AI के फीचर दिए गए हैं, बाकी सेम सब जो है दोस्तों सेम चीज़ है और थोड़े बहुत डैन चेंज है। दोस्तों जी वीडियो में बस मैंने आपको यही बताया है कि ग्रीन कलर में और वाइट कलर में कोई फ़र्क नहीं है, और प्लस दोस्तों आप अपने फ़ोन पर कौन सा ग्लास अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ग्लास लगाने से हमारे फ़ोन में क्या क्या दिक्कत आ सकती है जो मैंने फेस की है वो मैंने आपको वीडियो में बताया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी दोस्तों आप अपने फ़ोन को ख़रीदो तो सबसे पहले आप अपनी मार्केट से ही आते टाइम एक गिलास इस पर जो स्क्रीन प्रोटेक्टर है वो यूज करो, और दोस्तों जो कैमरे की रिंग वगैरह है तुरंत लगवा लो, क्योंकि ये चीज़ें आसानी से नहीं मिलती हैं, इसलिए जब भी आप फ़ोन खरीदो साथ ही में इसकी एक्सेसरी जो होती हैं साथ में खरीद लो। अगली वीडियो में दोस्तों मैं इसके कुछ कवर लेके आऊँगा, उसकी वीडियो आपको बताऊँगा, बना के दिखाऊँगा कि आपको कौन सा कवर यूज़ करना चाहिए। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक उसे जरूर करें, और अभी तक हमें चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो उससे फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।